सो दोस्तों, बीच रास्ते में वापसी में मुझे देखो क्या मिला। ये है केव्स। तो ये केव्स बनी हुई हैं सारी, और इसमें जो भी बारिश के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे मोस्ट फेबली लोग भी रहा करते थे। किसी टाइम पे जो गादी लोग होते हैं, धन लेके आते हैं, बकरी बकरवाल जो बोल लो आप, तो वो लोग इस जगह पे रुकते थे। और आगे हम दिखाएंगे आपको कुड, बाबा का कुड है, बाबा की गुफा। ओह माय गॉड। सो दोस्तों, वहाँ पे है जो गुफा है, वहाँ पे अभी मैं जाऊँगा थोड़ी देर में। और वो ठीक जो सामने आपको दिख रही है वो जगह, वहाँ से बस गिरी थी इस जगह पे नीचे भाई, वहाँ से लुढ़कती हुई नीचे 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 नीचे, सपोज टू बी। तो कोई कैसे बच सकता है यार ऐसी जगह से। पूरे गांव के लोग थे और सारे मतलब चले गए बेचारे। उन्होंने क्या सोचा होता इस जगह पे ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बी कॉशियस, थोड़ा ध्यान से चलें इन रोड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं इस जगह पे। और तो दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं, अब बाबा जी के दर्शन करते हैं कि देखते हैं कोई पवित्र गुफा है इस जगह पे। और ये नया रास्ता बन रहा है आशापुरी के लिए, ये वाला भाई। तो दोस्तों, ये कोई बाबा जी की गुफा नहीं है, वो तो पीछे रहेगी, ये है पवित्र गुफा। चलो चलते हैं पे। जय माता दी। खट्टी मिट्टी खा ली जाए पहले। शूज खोल देते हैं इसी जगह पे, क्योंकि अब जा रहे हैं हम थोड़ा गुफा में। जय माता दी। मैरी खतरनाक। ये भाई लाइमस्टोन से बने होते हैं सारे, चूना का पत्थर। और कुछ नहीं है, रास्ता है क्या? नहीं रास्ता तो। जाओ माता रानी की। नाइस। यहां से ऐसे, और वाह, जय माता दी। बहुत ही फिसलन से भरे पत्थर हैं भाई। आओ जाओ, जय माता दी, जाओ। जय माता दी। और आगे भी कुछ है, यहाँ पे माता रानी है। जय माता दी। आकृतियां भी बनी हैं जगह पे, ये गुफा। सो दोस्तों, इस जगह पे है माता वैष्णो देवी जी की गुफा है, और छोटा सा मतलब यहाँ पे विराजमान है खुद माता जी, बोल सकते हैं कि पिंडी रूप में। तो मान्यता ये है कि यहाँ पे भी कभी कभार आए हैं माता। तो एग्जैक्ट वैसे ही बना हुआ है, कोई भी खुद नहीं बनाई हुई चीजें, आप देख सकते हो नेचुरली बनी हुई है सारी जगह। और बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है भाई ये भी। ये सारी आकृतियां जो बनी है खुद
अपने आप बनी है यहाँ पे, और काफी फिसलन भरी है यार ये। थोड़ा ध्यान से चले अगर यहाँ पे आते हो आप तो। ओए 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 ओए, जय माता दी, चलते हैं हम भी। सो दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ये जगह आपको कैसी लगी, और आप भी इस जगह पे आएं। काफी अच्छी जगह है, काफी अच्छा आपको सुकून और एक शांति का एहसास होगा इस जगह पे आके, और बहुत नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं इस जगह पे। तो प्लीज जब भी आप यहाँ पे आएं, थोड़ा शांति बनाए रखें। और वन ऑफ द मोस्ट और इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे थोड़ा जो ड्राइव है, ध्यान ध्यान से करें। जो भी है, बाइकिंग करें या फिर गाड़ी में भी आए हो तो भी आराम से चलें इस जगह पे। और अगर यहाँ पे आने की बात करें तो पालमपुर से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी इस जगह पे, जसिमपुर से बस मिल जाएगी डायरेक्ट, या फिर और भी टैक्सी वगैरह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है नीर भाई। और ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था है, रहने के लिए भी व्यवस्था है इस जगह पे। यहाँ पे PWD वाला रेस्ट हाउस तो मैंने आपको दिखाई दिया, तो प्लीज़ आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।